कितना हमको दुख होता था पहले, हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई लड़की नहीं पढ़ती, और कोई महिला आ जाती थी तो सब लड़का ही नहीं देखता था, टीचर लोग भी थे वो भी खड़ा होकर देखते थे। अब आप जान लीजिए कि हम लोग महिलाओं के लिए कितना किए, आप तो जान लीजिए, लेकिन कोई में जितना सीट है उसमें एक तिहाई तो उन्हीं के लिए रिजर्व रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, सब हम किए हुए। तो हम तो चाहते ना भाई सबके उत्थान के लिए काम करते रहते हैं। कितना हमको दुख होता था पहले, हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई लड़की नहीं पढ़ती थी, क्या क्या जी। आ कितना हम लोग कहते थे, आपस में बात करते थे, आ कोई महिला आ जाती थी तो सब लड़का ही नहीं देखता था, टीचर लोग भी थे वो भी खड़ा होकर देखते थे। ये हालत हमारे प्रोफेसर लोग भी है तो इनको भी पता, तो हम तो चाहते ही थे। अब आप जान लीजिए कि हम लोग महिलाओं के लिए कितना किए, आप तो जान लीजिए, हम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में कर दिया है कि कम से कम एक तिहाई रहेगा, कम से कम, और उसके आगे 50% भी रहे उससे भी आगे रहे उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन कोई में जितना सीट है उसमें एक तिहाई तो उन्हीं के लिए रिजर्व रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, सब हम किए हुए, एक एक काम किए हुए। तब आज हमको देख करके 25 साल वाली सब महिलाएं मिली जो पास की है, मुझको बड़ी खुशी हुई, बधाई हम लोग देते हैं आपको। तो हम तो चाहते ना भाई सबके उत्थान के लिए काम करते रहते हैं। आज जितना बिहार में हुआ है महिलाओं का उत्थान, अरे खाली मर्द के उत्थान से नहीं होगा, महिलाओं का उत्थान होगा तब पुरुष और स्त्री सब हैं तो बहुत आगे बढ़ेगा, और उसी में बिहार का हो रहा है।